साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेके आता हूँ और आज का टॉपिक का नाम है विटामिन डी। विटामिन क्या होते हैं और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपको यदि हमारे वीडियो ठीक लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। विटामिन वो तत्व होते हैं जो भोजन में ही पाए जाते हैं और जिनकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। जब संतुलित भोजन दिया जाता है तो शरीर के बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। फैट सोल्यूबल, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो हम फैट सोल्यूबल विटामिन डी की बात करने जा रहे हैं। तो विटामिन डी जो ग्रुप है उसमें 4 विटामिन आते हैं। विटामिन डी 2 जिसका नाम है कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी 3 जिसका नाम है इरेडिएटेड 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, D4 जिसका नाम है इरेडिएटेड 22 डाइहाइड्रो अर्गोस्टेरॉल, D5 जिसका नाम है इरेडिएटेड डाइहाइड्रो सिस्टोस्टेरॉल। तो ये विटामिन डी ग्रुप में 4 विटामिन आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। सोर्सेज होते हैं सबसे पहला मिल्क है, कॉड लीवर ऑयल है और सी फूड जिसमें सालमन फिश। अच्छा, इसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स एक और है, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें स्किन में जो अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है उसको सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसको स्टिमुलेट करती है और विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब नेसेसरी होता है। ये बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन है या उसका मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन डी की जब बॉडी में कमी होती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है और बोन्स जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स है, और इस जो बोन है वो उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी होती है तो उनका इम्परफेक्ट डेवलपमेंट होता है, टीथ का भी डेवलपमेंट इम्परफेक्ट होता है और बोन का कैरी होना शुरू हो जाता है। तो इसकी कमी से इस प्रकार के रोग होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो होम्योपैथी में या बायोकेमिक जो दवाएं हैं वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं। एक तो आप डाइट के थ्रू इनको जब लेते हैं विटामिन को, तो एक्चुअली इनको बार बार लेना पड़ता है और इसकी कमी को बार बार लेकर आप पूरा कर सकते हो। लेकिन इसी डाइट की जगह पर यदि बायोकेमिक सॉल्ट को पोटेंटाइज रूप में दिया जाता है तो वो बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। इसके लिए जो मेडिसिन हैं वो मेनली फॉस्फेट ग्रुप आता है। बायोकेमिक में फॉस्फेट ग्रुप में जैसे कैल्केरिया फॉस है, मैक फॉस है, फेरम फॉस है, ये दवाएं बिल्कुल विटामिन की कमी को पूरा कर देती हैं। मतलब यदि आपको भोजन से विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इन दवाओं का उपयोग करके अपनी विटामिन की जो पूर्ति है विटामिन डी की वो कर सकते हैं। या तो फॉस्फेट को भी 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। तो इसमें जो मेन फॉस्फेट है वो कैल्केरिया फॉस बहुत ही अच्छा काम करता है, जो विटामिन डी की कमी से जो बॉडी में बीमारियां हो रही हैं उनको फॉस्फेट ग्रुप में कैल्केरिया फॉस दवा लेने पर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है और उससे जो भी बीमारियां हो रही थी कमी से वो भी ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 12 बायोकेमिक मेडिसिन है उनकी जो रिसर्च है वो सूजलर साइंटिस्ट ने की थी। इनको 12 बायोकेमिक सॉल्ट भी कहते हैं और इसका जो विटामिन के रूप में उपयोग है वो हेरिंग ने इसका समर्थन किया था कि यदि विटामिन की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो बायोकेमिक सॉल्ट जो फॉस्फेट सॉल्ट है या साइलिसिया है इससे देकर आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।